Good morning, kids. Good morning, sir. How are you? I'm fine. Thank you. आज देखो हमारे पास एक पजल है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पजल है. ठीक है, जो भी बच्चे इसको कर पाए समझो वो बहुत ही क्या है, इंटेलिजेंट, और जो नहीं कर पाए समझो वो क्या है, डफर्स. अब देखो, क्या तुम पांच वर्गों की मदद से सभी 12 आकृतियां बना पाए? अब देखो, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ, ये जो यहाँ पर एक ग्रिड बना हुआ है, कितने बाई कितने का ग्रिड है ये? 6x10 का. ठीक है, 6 इसकी क्या है चौड़ाई और 10 इसकी क्या है लंबाई भी बोल सकते हैं, और अगर हम ऐसे में देखें तो क्या बोल सकते हैं इसको, ऊंचाई. ठीक है, वैसे जो टू डायमेंशनल जो बॉडीज होती हैं उनकी क्या होती है, ऊंचाई नहीं होती. जो टू डायमेंशनल बॉडीज होती हैं उनकी क्या होती है, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई. इन सभी 12 आकृतियों को इस प्रकार रखा गया है कि वे एक आयत बनाए. ठीक है, यहाँ पर आप जो देखोगे ये जो कलर्स में जो ये बनी हुई हैं ये आकृतियाँ, एक आकृति का एरिया कितना है इसमें? 5 क्या? 5 वर्ग सेंटीमीटर. तो ये 5 वर्ग सेंटीमीटर के जो इसमें ये जितने भी बने हुए हैं फिगर्स, ये कितने हैं टोटल? 12 कितना होता है? 60. तो इसका मतलब हमने जो ये पूरा रेक्टेंगल है पूरा क्या कर लिया, इससे भर दिया, ये आयत हमने पूरी भर दी है इन फिगर्स से. अब आपको करना क्या है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, तुमको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ 2000 से ज़्यादा तरीके हैं जिनसे ये आकृतियाँ 10x6 का आयत बना सकती. अभी देखो, ये जो फिगर्स हमने ऐसे सेट करे हुए इसमें, और ये पूरा आयत क्या हो रखा है, इससे फिल हो रखा है. अब आपको क्या करना है, हर एक बच्चे को अपने अपने हिसाब से ये फिगर्स फिर इसी ग्रिड में फिक्स करने हैं. मतलब ये आपको पहले यहाँ से बनाने हैं, फिर काटने हैं, और इसी ग्रिड में क्या करने हैं, फिक्स करने हैं. ठीक है, लेकिन तरीका क्या होना चाहिए, अलग. और उसके लगभग 2000 तरीके हैं. मतलब हर बच्चे के पास कम से कम एक तरीका तो होना ही चाहिए कि वो इन फिगर्स को क्या करे, इस ग्रिड में क्या कर सके, फिक्स कर सके. आप देखो, आपको काटने कैसे हैं, ये ऐसे काटने हैं. देखो, जैसे एक इन्होंने ये रखा हुआ है, ये ठीक है, 1 ऐसे. देखो, एक एल शेप का है, कहाँ पर है ये एल शेप का, ये रहा. ठीक है, एक इस शेप का है, कहाँ पर है ये शेप, कहाँ पे, हाँ ये वाला. ठीक है, इस शेप के तो सारे काटे हुए हैं आपने. ठीक है, तो ये आपको फिक्स करने हैं. ठीक है, क्लियर है? तो ये अभी आपको करना है. तो सब बच्चों को मिला था एक होमवर्क. तो कितने बच्चे कर पाए हैं ये? तो सिर्फ 3 बच्चे कर पाए हैं. तो देखते हैं उन्होंने क्या किया है. ठीक है, एक बच्चे ने ये बनाया है, वेरी गुड. ठीक है, तो पूरा हमारा जो ग्रिड है वो क्या हो गया, इससे फिल हो गया है. 1 2 ठीक है, ठीक है. और एक बच्चे का क्या है, ये बना रखा है. ठीक है, तो और बच्चों ने नहीं किया ट्राई? आपने ट्राई किया? हाँ, तो ट्राई करते रहो. ठीक है, अभी ट्राई करते रहो. आप जरूरी नहीं है, जैसे जिस बच्चे ने ये कर लिया है तो जरूरी नहीं है कि उसको इसी पर रुक जाना है. आपको क्या करना है, फिर और भी ट्राई करते रहना है, और भी तो बना सकते हैं. जरूरी थोड़ा ना कि यही तरीका है. जैसे 3 बच्चों ने 3 अलग अलग तरीकों से किया, एक तरीका ये था, चौथा ऐसे ही. कितने तरीके हैं इसके? 2000 तरीके हैं. तो 2000 तरीकों से आप इसको फिक्स कर सकते हो इस ग्रिड के अंदर.